अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हमारी पेरेंटिंग सीरीज़ व्हाट नॉट टू डू एज अ पेरेंट की एपिसोड नंबर 4। और इसमें हम बात करेंगे टीनएज पेरेंटिंग के बारे में। और टीनएज पेरेंटिंग के बारे में मैंने एक लाइव भी किया था। एज यू गाइज नो, आई गो लाइव एवरी फ्राइडे एट 9 PM ऑन माई फेसबुक पेज, एंड अ लॉट ऑफ पीपल जॉइन मी देयर। वी डिस्कस डिफरेंट थिंग्स, सो दैट्स अ गुड वन टू कैच। अगर आप लोग 9 बजे फ्राइडे को टाइम हो तो ज़रूर ड्रॉप बाय ऑन माई फेसबुक पेज एट डू वट मैटर्स टीवी। तो टीनेज पेरेंटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है पेरेंटिंग की, एंड बाय दैट टाइम आप थोड़े से एक्सपीरियंस्ड पेरेंट्स भी हो जाते हैं। दिस इज़ व्हाट वी थिंक कि हमें बहुत एक्सपीरियंस हो गया, अब हम तो बड़े अच्छे तरीके से टीनेज पेरेंटिंग कर सकते हैं। लेकिन द एजेस फ्रॉम 14 आई वुड से टू 21, दिस इज़ हाउ आई सेक्शनड इट, 14 से 21 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए जो है बहुत, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है कि उनकी उनको, क्योंकि ये जो एज है 14 से 21, ये हमारी पूरी ज़िंदगी किस ट्रैक पे जाएगी उसको डिटरमिन करती है। 14 साल से हाई स्कूल शुरू हो जाता है, फिर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं, अपनी फील्ड पिक करते हैं कि व्हाट विल यू बी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है डिसाइड करना कि आपने ज़िंदगी में क्या करना है, आपके गोल्स क्या हैं, व्हाट डू यू वांट टू बी, हाउ डू यू लिव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। सो अब इस एज में हमें ये कैसे पता चले क्या करना है, हु इज़ गोइंग टू गाइड अस, कैसे, कौन बताएगा। तो अगर पेरेंट्स जो हैं वो अपना पार्ट, अपनी गाइडेंस, अपना कनेक्शन इस एज में नहीं लेके आएंगे, तो यही एज होती है जब बच्चे भटक जाते हैं, बहक जाते हैं, अपनी पीयर प्रेशर में आ जाते हैं, दोस्तों की बातों में आ जाते हैं। और वो होता सिर्फ इसीलिए है, दे डोंट फील कनेक्टेड, क्योंकि कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं ये मेंशन करती चलूँ कि वी आर सराउंड बाय लॉट ऑफ पीपल, हमारे पास कंपनी बहुत होती है, दोस्त यार फैमिली रिश्तेदार सब होते हैं, लेकिन क्या होता है कि कनेक्शन नहीं होता, हम लोगों के बीच में रहते हुए भी अकेले रहते हैं। तो लोनलीनेस इज़ अ वेरी बिग अकेलापन प्रॉब्लम इन टीनेजर्स, इसी वजह से टीनेज डिप्रेशन बढ़ा है, क्योंकि टीनेजर्स को लगता है कि उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, उनको समझने वाला कोई नहीं है, और द ओनली पीपल दे लिसन, जो उनकी बात सुनते हैं वो उनके दोस्त होते हैं। तो इस वजह से फिर उनके लिए बुरी आदतों या बुरे रास्तों पे जाना बहुत आसान हो जाता है, इट्स वेरी इजी, क्योंकि माँ बाप के पास वक्त नहीं है, या माँ बाप उनकी बात को इंपॉर्टेंट नहीं समझते, या माँ बाप अपनी चीज़ें उनके ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं, विच इज़ टोटली अनफेयर। तो एज पेरेंट्स हमें क्या करना चाहिए एज टीनेज पेरेंट्स, तो ये अगेन बहुत ज़्यादा हिम्मत और पेशेंस का काम है टीनेजर्स को पालना। अगेन मेरा अभी इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बिकॉज माई डॉटर इज 16, सो जितना मुझे अंदाज़ा अभी तक हुआ है वो मैं आपसे शेयर करूँगी, और देखूँगी वंस इट्स डन कि यू नो उसके बाद ही मैं कमेंट कर सकती हूँ कि असल में मेरे क्या व्यूज़ हैं, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट टू शेयर। तो एक तो जो किताब जिसको मैं ज़रूर मेंशन करना चाहती हूँ, विच हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट टू अंडरस्टैंड अ टीनेजर्स ब्रेन, अ चाइल्ड्स ब्रेन, एक बच्चे के दिमाग को आप कैसे हैंडल करें, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, ज़रूर पढ़ें, द होल ब्रेन चाइल्ड, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। आई डोंट नो कैसे नज़र आएगी, बट एनीवे आई विल शेयर द टाइटल ऑफ इट। और ये हमें बहुत सारी ऐसी अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजीज़, ऐसे तरीके सिखाती है कि हम बच्चों से बात कैसे करें, अपना मैसेज उन तक कैसे पहुँचाएँ। मैं कैसे होता यही है कि हम उनसे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं पर वो नहीं सुन रहे होते, तो देर इज़ एक बैरियर आ जाता है, हम कुछ कह रहे हैं वो कुछ सुन रहे हैं, सिमिलरली वो कुछ कह रहे हैं और हम कुछ और समझ रहे हैं। तो ये इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने कम्युनिकेशन को कैसे जो है आप स्मूथ बनाएं, उसको इम्पोर्टेंस दें, मगर अगैन उसमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, बिकॉज आपके बच्चे जो हैं वो अपने आप को डिस्कवर कर रहे हैं इस एज में, जान रहे हैं वो कौन है, उनकी वैल्यूज़ सामने आ रही है, उनके दोस्त कैसे हैं, उनकी पसंद नापसंद बिल्ड हो रही है। तो मैं जो अपने छोटे से पॉइंट्स आपसे शेयर करूँगी वो एक तो ये है कि आपने जो है ना पेशेंस, नंबर वन इज़ पेशेंस, कि आपने पेशेंस बहुत दिखानी है उनके टीनेज टैंट्रम्स पे, यानी कि जब उनको गुस्सा आ रहा है या जो भी हो रहा है, तो इट्स नॉट देम, इट्स देयर हार्मोन्स टॉकिंग, बिकॉज जो टीनेज हार्मोन्स किक इन करते हैं, डिफरेंट थिंग्स आर गोइंग ऑन इन देयर बॉडी, उनका ग्रोथ स्पर्ट है या ब्रेन में डिफरेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो इट्स लाइक देयर इन अ रेनोवेशन स्टेज। अब अगर आपके घर में रेनोवेशन हो रही है, आप कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो आपके घर का एक नॉर्मल फ्लो, नॉर्मल निज़ाम नहीं चल सकता उस सिचुएशन में। सो थिंक ऑफ अ टीनेज ब्रेन एज लाइक अ रेनोवेशन स्टेज, कि आपने जो बिल्ड की हैं चीज़ें उनकी ओवर द एज ऑफ 14, अब वो दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट और रेनोवेट हो रही हैं, रिकन्स्ट्रक्शन हो रही है उसकी। तो उसके अंदर आप उनसे एक नॉर्मल बिहेवियर या नॉर्मल फ्लो ऑफ बिहेवियर, या जिस तरह आपने एक बात कही उसने क्यों नहीं की, इस तरह की एक्सपेक्टेशंस अगर रखेंगे तो इट विल गेट वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, देयर माइंड कीप चेंजिंग बिकॉज दे आर रीबिल्डिंग देयर ब्रेन,
ब्रेन, ब्रेन की लेयर्स नहीं बन रही है, नए न्यूरॉन्स बन रहे हैं. आज अगर आपको एक, आज एक वो बात कहेंगे, कल उसकी ऑपोजिट बात कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने विद इन अ डे ये डिसाइड कर लिया है कि अब उनको कुछ और करना है. तो जस्ट बी वेरी पेशेंट एंड सपोर्टिव. सपोर्ट इज़ वन थिंग जो कि बहुत ज़रूरी है इस स्टेज में, नो मैटर वॉट, क्योंकि असल में अगर वो आपको किसी चीज़ से मना भी कर रहे होते हैं, दे स्टिल वॉन्ट योर सपोर्ट, बट दे डोंट फील लाइक सेइंग इट बिकॉज वो उनकी शान के खिलाफ है, ईगो की बात आ जाती है. तो आपने पर्सनली कुछ नहीं लेना कि अच्छा मैं कैसा पेरेंट हूँ, हाई हाई टीनएजर्स एजेस आ गई हैं, मैं इनसे कैसे डील करूँ. तो इसलिए बी वेरी वेरी पेशेंट, एक्स्ट्रा पेशेंस अगर आप अपनी कर सकते हैं इस चीज़ में अप्लाई, तो डू दैट. सब्र करना बहुत ज़रूरी है. और नंबर टू, समझने की कोशिश करना बहुत ज़रूरी है, अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि आपका बच्चा किस परस्पेक्टिव से आ रहा है. अगर उसका दिल चाह रहा है कोई चीज़ें करने का, तो उसकी बातों को सुने, ध्यान दें और इम्पोर्टेंस अटेंशन दें, बहुत ज़रूरी है. एंड लास्ट जो पॉइंट तीसरा मैं आपसे कहूँगी, रिस्पेक्ट. रिस्पेक्ट देम एज एन एडल्ट, रिस्पेक्ट देम एज अ पर्सन, और उनकी जो है बेइज्जती नहीं करें, उनको बुरा भला नहीं करें, क्रिटिसाइज़ नहीं करें. ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, बिकॉज इन सब चीज़ों को करने से आप उनको अपने से दूर कर देते हैं, और फिर वो किसके करीब जाएंगे, अपने दोस्तों के. तो ये बातें तीनों इंपॉर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा. और आई नो इट्स नॉट परफेक्ट पेरेंटिंग, मगर अपने रवैये पे तवज्जो दें, बजाय इसके कि अपने बच्चे को बताएं कि तुमने ये किया, वो किया, वो किया, उसकी लिमिट सेट करके उसको दें कि ये तुम्हारी लिमिट्स हैं, ये दीज आर द रूल्स यू हैव टू फॉलो, विच आर नॉट गोइंग टू बी 10 रूल्स, 10 रूल्स नहीं वो फॉलो करेगा. 2 या 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि नॉन निगोशिएबल हैं, बिकॉज उसके ऊपर कोई निगोशिएशन नहीं होगी. उसके अराउंड चीज़ें हो सकती हैं, बट यू कैन नॉट निगोशिएट दोज पॉइंट्स. ठीक है, वो 2-3 चीज़ें उनको बताएं. बी वेरी वेरी पेशेंट. नंबर टू, यू नो, जो है उनको रिस्पेक्ट देनी बहुत ज़रूरी है. और जो है सपोर्ट, अगैन वो मैंने आपको बताया था, सपोर्टिंग पेरेंट्स होना बहुत ज़रूरी है. उनको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, उनको जो है हर वक्त गाइडेंस की ज़रूरत है. चाहे, और गाइडेंस का ये मतलब नहीं है कि आप उनको बताएं वो क्या करें, उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर सुने, बिकॉज वो एक इंडिविजुअल ह्यूमन बींग है, पर्सनैलिटी उनकी बन रही है. तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनना जो है वो बहुत ज़रूरी है, उसको इंपॉर्टेंस देनी ज़रूरी है. और उनके डिसीजंस, उनको फैसले करने दें, और अपने फैसलों से उनको सीखने दें. अगर उन्होंने कोई भी चीज़ कही है कि मैंने ये नहीं ये करना है, तो उसको सीरियसली कंसिडर करें कि वो ये करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, उनको सपोर्ट करें 100% उसमें. तो ये 3 छोटी छोटी चीज़ें, बिकॉज टीनेज पेरेंटिंग के लिए टीनेजर्स ने कुछ नहीं करना, जो भी करना है वो पेरेंट्स ने करना है. उनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करें, अपने आप को ऑल्टर करें, अपना बिहेवियर, अपना रवैया. और अपनी जब हम करेंगे ऑल्टर कंडक्ट द वे वी डील विद देम, तो हमारे लिए वो थोड़ी सी आसान हो सकती है. और इंशाल्लाह ताला हम इस चीज़ में से एक पॉजिटिव तरीके से निकल सकते हैं, और अपना कनेक्शन जो है बना सकते हैं. क्योंकि अगर हमने इस स्टेज पे अपना कनेक्शन बना लिया विद आर टीनेजर, इस स्टेज पे, तो दैट विल लास्ट यू फॉर एवर. फिर वो कनेक्शन पूरी ज़िंदगी साथ रहेगा. अगर वो कहीं आपसे दूर भी होंगे या कहीं इधर उधर भी होंगे, बट दे विल स्टिल बी कनेक्टेड विद यू. सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और ये एक लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट आपकी हो जाएगी, और उनको पता होगा कि नो मैटर वॉट, जब भी हम कहीं भी होंगे, वेन एवर वी कनेक्ट विद आर पेरेंट्स, दे विल ऑलवेज बी देयर फॉर अस फॉर सपोर्ट. दिस इज़ वट वी यू नीड टू इंस्टिल इन दैम, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो सकती है एज अ पेरेंट. तो इसके ऊपर ज़रूर सोचें, ज़रूर गौर करें, और अगेन अपने क्वेश्चंस शेयर करें, अपने कमेंट्स करें, और मुझे ज़रूर बताएं कि आपका इन पॉइंट्स के बारे में क्या ख्याल है. क्योंकि ये पॉइंट्स मैं पर्सनली प्रैक्टिस करती हूँ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. मैंने थोड़ा बहुत सीखा है, किया है, अपने अंदर ये चेंज लाया है, तभी मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ. इट्स नॉट समथिंग जो कि मैं ऐसे ही कहीं से पढ़ के बता रही हूँ. एंड आई नो आई हैव रेड अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन इट, दिस इज़ वन ऑफ देम, जिसकी वजह से मेरा जो ओपिनियन या एक्सपीरियंस या जो चीज़ें मैंने डिफरेंट ट्राई की हैं, सो दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग विद यू. तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें अपने टीनेज पेरेंट्स पे, टीनेजर एज किड्स पे, और ज़रूर शेयर करें कि आपने. और अगेन, ट्राइंग इज़ नॉट समथिंग कि एक दिन किया, 2 दिन किया, छोड़ दिया. उस बिहेवियर को करते रहें. हो सकता है शुरू में आपको सक्सेस नहीं होगी, आपको रिस्पांस नहीं मिलेगा, बिकॉज इट इज़ हार्ड, मगर डोंट गिव अप, बिकॉज इट विल वर्क इवेंचुअली. बिकॉज आपके टीनेजर को भी पता चल जाएगा कि यू नो उसकी बाउंड्रीज़ क्या हैं. बाउंड्रीज़ मेंटेन करनी बहुत ज़रूरी है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी रिलेशनशिप, चाहे वो आपके बच्चों से हो, पेरेंट्स से हो, या फिर सिबलिंग से हो, किसी से भी हो. सो एंड ऑल वी आर ट्राइंग टू डू इज़ be our best, so that we can give our best to our kids, our parents, our siblings, everybody, right? तो इस यही हमारा गोल है, और इसी पर हमने काम करते चले जाना है, और दिन ब दिन इम्प्रूव होते चले जाना है. सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट एपिसोड, जिसमें हम ये सब रैप अप करेंगे. एंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप डूइंग वॉट मैटर्स. अल्लाह हाफिज़.